तारीख 1 अक्टूबर, ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। क्या हिजबुल्ला का बदला हुआ पूरा? अब बेरूत पर इसराइल का केमिकल अटैक। गल जाती है हड्डियां 800 डिग्री तक जब बढ़ता है पारा। क्या है व्हाइट फास्फोरस जिसका जंग में इस्तेमाल कर रहा है इसराइल? 1 अक्टूबर को ईरान के हवाई हमले से इसराइल में अफरा तफरी मच गई। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला चीफ की मौत का बदला ईरान ने इसराइल से पूरा कर लिया है। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने ईरान को चिताया कि उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच बुधवार को इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक कर दी। जानकारी के मुताबिक बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इसराइल ने 17 हमले किए। इसराइल के इस भीषण हमले के बाद एक इमारत में आग लग गई। वायरल हो रहे कुछ हमलों के वीडियो को देखते हुए इसराइल पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल करता है। ऐसा पहली बार नहीं जब ये आरोप लगे हैं। IDF पर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने लेबनान और गाजा में व्हाइट फास्फोरस से हमले करने का आरोप लगाया था। ऐसा करना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है। IHL का मानना है कि इसराइल ने व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल खासतौर पर ज्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में किया, जिससे लॉन्ग टर्म में लोगों पर गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्या है ये बम जिस पर इतना हल्ला मचा हुआ है? व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिला के तैयार किया जाता है। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे सड़े हुए लहसुन जैसी तेज गंध आती है। इस रासायनिक पदार्थ की खूबी ये है कि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर ये पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बताती है। व्हाइट फास्फोरस के धुएं में सांस लेने से सांस से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं या फिर दम घुटने की दिक्कत हो सकती है। साथ ही ये रसायन इतना खतरनाक है कि इससे त्वचा को दूसरे और तीसरे दर्जे की जलन पहुंच सकती है। फास्फोरस बम चूंकि 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए यह आग से कई ज्यादा जलन और जख्म देता है। यहां तक कि यह हड्डियों तक को गला सकता है। कुल मिलाकर इसके संपर्क में आने पर इंसान जिंदा बच भी जाए तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्या कहती है HRW की रिपोर्ट? HRW की रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण लेबनान में इसराइल द्वारा व्हाइट फास्फोरस का व्यापक उपयोग आग लगाने वाले हथियारों पर मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत को दर्शाता है। इससे पहले पिछले अक्टूबर में अन्य हमले हुए थे जब HRW ने गाजा और इसराइल लेबनानी सीमा के पास 2 ग्रामीण क्षेत्रों में इसराइली बलों द्वारा हथियार के इस्तेमाल को डॉक्यूमेंट किया था।